Hi guys, welcome to this festival season. I am so excited already. कितने सारे फेस्टिवल्स आने वाले हैं एंड हमारे बहुत सारे जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनकी स्पिरिट देख के आई हैव बिन वर्किंग बैक एंड फोर्थ ऑन दीज रिक्वेस्टेड वीडियोज़ जहाँ पे आप लोग मुझे बता रहे हैं कि आपको ये देखना है. तो आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि आप लोगों को कोई डिसअपॉइंटमेंट ना हो विद द कॉन्टेंट दैट आई एम ब्रिंगिंग. और मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था और मैं रिसेंट उससे पहले भी बोला था कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच आप लोगों के सपोर्ट के लिए. और ये फेस्टिव सीज़न है यार, इसमें खुश रहना चाहिए. फेस्टिव सीज़न है और ऐसे कैसे हो सकता है कि हम अपने व्यूअर्स के लिए बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सेट्स ना लेके आए. इससे पहली वाली वीडियो में मैंने आपको स्कर्ट सेट्स दिखाए थे और आपने उसको बहुत प्यार दिया है उस वीडियो को, सो थैंक यू सो मच. मैंने इंस्टाग्राम पे भी कुछ उसके पिक्चर्स डाले थे, तो अगर आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं करते हैं तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है अदिति सिंह ठाकुर 1. सो आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं. तो और मैं वहाँ पे स्टाइलिंग वीडियोस भी डालती हूँ, तो आप वहाँ पे मुझे अगर फॉलो करेंगे तो आप मेरी स्टाइलिंग वीडियोज़ को भी देख सकते हैं. तो इस आज का वीडियो के पीछे एक छोटी सी स्टोरी है जो मुझे बतानी ही पड़ेगी, ठीक है. तो वो स्टोरी है कि ये जो मैं आपको लहंगा सेट्स दिखाने जा रही हूँ ये मैंने काफ़ी पहले खरीद लिए थे और इस पर एक वीडियो भी बनाई थी. बिकॉज आई वॉज सो एक्साइटेड टू शो यू ऑल, बिकॉज मुझे कोई भी चीज़ मैं बहुत अच्छी अगर खरीदती हूँ तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करती हूँ. और मैंने अपने लहंगा सेट्स दिखा रही हूँ उनकी वीडियो भी बना ली थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो डिलीट हो गई एंड देर वॉज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क जो उनके पीछे हुआ था. बट मैं बहुत ज़्यादा आई वॉज सो डिमोटिवेटेड, बट वो डिलीट हो गया. उसके बाद आई डिड नॉट गो बैक टू दिस पर्टिकुलर वीडियो. बट उसके बाद मैंने सोचा अब फेस्टिव सीजन है तो आप लोगों को ये बहुत बेनिफिशियल होगा. और द गुड पार्ट इज़ दैट दीज प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल ऑनलाइन ऑन अमेजोन, तो आप वहाँ से इनको खरीद भी सकते हो, बहुत ज़्यादा रीजनेबल प्राइस में हैं. तो अगर आप देखना चाहते हैं मैं कौन से प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर रही हूँ तो स्टे ट्यून्ड. तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही ज़्यादा मेरे वन ऑफ माई फेवरेट्स, सम ऑफ माई फेवरेट्स आई वुड से, लहंगा सेट्स. हमारे जो इंडियन फेस्टिवल्स होते हैं दे आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू साड़ी सूट सेट्स स्कर्ट सेट्स पलाजो सेट्स और लहंगा सेट्स, नथिंग लाइक दैट. हमें जो अच्छा लगता है हम अपनी वाइब के हिसाब से पहन लेते हैं, तो वही मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ. आई एम सॉरी पीछे से थोड़ी बहुत आवाज़ें आएंगी बिकॉज देयर सम वर्क गोइंग ऑन. पहला जो मेरा लहंगा सेट है ये है एक ब्लू कलर में, और ये कलर एवरी इंडियन गर्ल पे इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है कि मैं क्या बोलूँ आपको. ये सेमी स्टिच लहंगा सेट्स आते हैं, आप इनको सिलवा सकते हैं, बहुत हैसल फ्री होते हैं, आराम से स्टिच भी हो जाते हैं. ठक ठक को अवॉइड कीजिए प्लीज़, मैं कुछ भी नहीं कर सकती इसके बारे में, माई अपोलॉजीज. ये इस तरह का रॉ सिल्क का एक सेट है, और आप इस पर अगर काम देखेंगे ना, ये मैंने स्टिच करवाया, सेमी स्टिच्ड आता है. हाँ, तो ये ऐसा है, इस पर ना सीक्वेंस वर्क हुआ है, सीक्वेंस वर्क हुआ है, और इसका फ्लेयर बहुत अच्छा है. दोनों ही लहंगा के जो हैं फ्लेयर्स बहुत अच्छे हैं. हाँ, अंदर से मैंने इनमें इनके साथ द बेस्ट पार्ट इज दे कम विद अ लिटिल बिट ऑफ कैन कैन एट द बॉटम, तो ये आपके फ्लेयर देता है आपको. हाँ, वो बहुत अच्छी चीज़ है, अदरवाइज ये बहुत स्ट्रगल होता है लहंगों में. ये इस तरह का है, इसमें नीचे कोई बॉर्डर नहीं है, पूरे लहंगे में ऐसा सीक्वेंस वर्क हुआ है, और ये इतना ज़्यादा गॉर्जियस लगता है ना पहन के. इसका अंदर का दिखा देती हूँ, इसका अंदर का इसमें अंदर एक लाइनिंग है इस तरह से, एंड देन यू हैव हाफ बॉटम में यू हैव कैन कैन लाइक दिस, इसे लगाया हुआ है, और उसके नीचे भी इन्होंने बुकरम बोलते हैं इसको ना, ये अंदर से इन्होंने डाला हुआ है इसके, तो एक स्टिफनेस रहती है नीचे, प्रिंसेस वाली फीलिंग नहीं आती है जब तक ऐसा कुछ ना पहना. तो ये लहंगा मेरा वन ऑफ माई फेवरेट कलर्स है फेस्टिव वेयर के लिए. इसमें गोल्डन कलर का सीक्वेंस वर्क एंड वायर वर्क हुआ है, अगर आप देख पा रहे हो, ये सीक्वेंस है, दिस इज द वायर वर्क. हाँ, बहुत ब्यूटीफुल है. मैंने इसको सिंपल स्टिच करवाया है, साइड में जिप लगा के हुक लगाया है, बहुत कन्वीनियंट रहता है. जिप लगाना ज़रूर, जिप ज़रूर लगानी चाहिए. मैंने इसमें द रीज़न मैंने इसमें वो लटकन और वो नहीं लगवाया इज बिकॉज वो ना जब आप इसको खींचते हैं तो वो आपकी जो वेस्ट होता है ना उसमें वो चुभता है. तो ऐसा बेल्ट है, आप अपने साइज का ये स्टिच करवाइए, और जो बेल्ट होता है ना वो इसको आप फिर एक क्रॉप टॉप के साथ भी पेयर करेंगे ना तो वो ऐसे
रिंकल्स जैसे नहीं लगेंगे, और वो क्रॉप टॉप के साथ भी आप इसको पहन सकते हो, तो ये बहुत प्रिटी लगता है इस वे में। हाँ, रेस्ट इट्स ऑब्वियसली योर चॉइस, जो आपको ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, आपको हमेशा उस तरह का सिलवाना चाहिए। ये इसका बॉटम है, पूरे में इसमें वर्क हुआ है, ये इस तरह से मैंने इसको स्वीट हार्ट नेक काइंड बनवाया है, समथिंग लाइक दिस। मुझे ना स्लीव्स पसंद है, आप स्लीवलेस भी बना सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आप हॉल्टर भी बना सकते हैं, इट लुक वेरी नाइस। मैंने कोई बॉर्डर नहीं लगाया, बिकॉज पूरे लहंगे में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वर्क है। मैंने कोई बॉर्डर, कोई लटकन, कोई कुछ नहीं करवाया। इनफैक्ट गला भी मैंने ऑलमोस्ट सिंपल ही रखवाया है, और पैड्स नहीं लगवाए हैं मैंने। मैंने सिंपल बनवाया है लाइक दिस, साइड में इसमें जिप लगवाई है मैंने, ठीक है। इसका जो दुपट्टा है, बहुत ही प्रिटी दुपट्टा है नेट का, साइड में उसमें बॉर्डर लगाया हुआ है एक्स्ट्रा। ये जरी वर्क है एंड सीक्वेंट वर्क, साइड में जरी है, बीच में सीक्वेंट वर्क है, पूरे के पूरे दुपट्टा में, साइड्स में भी और इस तरफ में भी। बहुत प्यारा लगता है ये दुपट्टा पहन के इसके साथ, और बीच में इसमें यहाँ पे सीक्वेंट के फ्लावर्स बने हुए हैं पूरे दुपट्टा में, फ्लावर्स लाइक दीज, लुक एट दिस। सो ये बहुत गॉर्जियस लगता है दुपट्टा इसके साथ, बहुत लाइट वेट है और आपसे बहुत अच्छे से संभाला जाएगा। अगर आपने मेरे वीडियोस ऑब्जर्व करे हैं, सो यू वुड नो दैट आई गो फॉर कंफर्ट फर्स्ट, और ये बहुत बहुत ब्यूटीफुल लगता है। ये मैंने लहंगा सेट लिया है अमेजोन से, फ्रॉम दिस सेलर कॉल्ड जील क्लोदिंग, और इनके बहुत ज़्यादा अच्छे रिव्यू थे। एक्चुअली अमेजोन पे क्या होता है ना, बहुत मिक्स्ड रिव्यूज़ रहते हैं, और हमेशा रिव्यूज़ चेक करके ही चीज़ें लेनी चाहिए वहाँ से। तो वहाँ से मैंने ये वाला ए जील क्लोदिंग करके एक सेलर है, उनसे ख़रीदा है, दोनों सेट उन्हीं से ख़रीदे, और उनका फॉलो अप्स भी बहुत अच्छे हैं। इनफैक्ट वो आपको आपके नंबर पे व्हाट्सएप करके बताते भी हैं, स्टेटस भी बताते हैं, आपसे फीडबैक भी लेते हैं, विच इज़ वेरी वेरी नाइस, एंड आई रियली लाइक दैट। स्टफ़ तो बहुत अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है स्टफ़ में। बस आपको एक चीज़ का जो बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्यों, आपको इसके अंदर लाइनिंग का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज अदरवाइज ये चुभेगा। अंदर की तरफ वो कुछ भी फोल्ड मत करवाना, और अंदर से लाइनिंग ऐसे लगवाना ताकि ये आपको चुभे ना। सीक्वेंट वर्क में यही रहता है, ये नेक वेक में थोड़ा सा, हल्का सा भी रह जाता है, या फिर कई बार वो क्या करते हैं, मैं आपको एक बहुत छोटी सी चीज़ बताती हूँ जो कि मुझे बहुत ज़्यादा बॉदर करी थी। इन्होंने स्लीव्स बनाई, स्लीव्स के अंदर से इन्होंने बहुत अच्छे से इसको स्टिच करा है, बट ये देख रहे हैं आप, बीच में इन्होंने ये सीक्वेंस छोड़ दिए। अब जब आप इसको पहनते हो ना, तो अंदर से ये बहुत चुभता है, तो इसको कवर करवाना है आपको। जस्ट मेक श्योर, अगर आप इसको खरीदते हो और उसको स्टिच करवा रहे हो, सो मेक श्योर ये सीक्वेंट वर्क को आप कवर करवा लो। मेंशन द प्राइस हियर, और बहुत ही ब्यूटीफुल है, रॉ सिल्क है, बहुत रिच लुक देता है। सिल्क इज़ माई फेवरेट फेवरेट फैब्रिक फॉर एनी फेस्टिव सीजन, मुझे बहुत पसंद है। रॉ सिल्क, टसर सिल्क, चंदेरी सिल्क, ये सारे मुझे, आर्ट सिल्क मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है फॉर एनी फेस्टिव ओकेजन्स। ये बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं, बहुत बहुत रिच लुक देते हैं आपकी अटायर्स को। सो ये है, और चलिए जल्दी से इसको पहन के देखते हैं कैसे लग रहा है। तो चलो अब ज़रा थोड़ा पॉज कर लो वीडियो, और नीचे मुझे बताओ कमेंट्स में कि कैसा लगा आपको ये, अच्छा लगा है या फिर आपका फेवरेट कलर है, नहीं है, जैसा भी, जो भी आपको फील हो रहा है, आप अपने कमेंट्स मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता दिया करो। एंड अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, आपकी रिक्वेस्ट का मैं बहुत ध्यान रख रही हूँ। तो आई होप आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल को, नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसे प्लीज़ हिट कर दीजिए, एंड बी अ पार्ट ऑफ आर फैमिली। और एक बेल है वहाँ पर, उसको भी दबा दीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपका मिस ना हो, और आप उसको जल्दी से जल्दी उस वीडियो को देख पाएँ। चलिए अब क्विकली चलते हैं मेरे नेक्स्ट फेवरेट कलर, और ये कलर आप देख लो बस एक बार, हाउ गॉर्जियस इज दिस कलर। ये कलर ना मैं बहुत टाइम से ढूंढ रही थी, मुझे नहीं मिल रहा था ये, तो नहीं मिल रहा था, और मुझे ये अमेजोन पे मिला। इसका फ्लेयर तो उससे भी बहुत ज़्यादा है, इफ यू कैन सी, दिस इज हाउ, दिस इज अ ग्रीन कलर, ठीक है। और
और इसमें जरी वर्क हुआ है प्लस थ्रेड वर्क प्लस सीक्वन, जरी प्लस थ्रेड प्लस सीक्वन इन द सेंटर, थ्रेड है यहाँ पर, ये इस तरह का ही पूरे के पूरे लहंगे में आपको ऐसे जरी वर्क मिलेगा। और जो इसका बॉर्डर है वो मेरा फेवरेट पार्ट है, ये इसका जरी का बॉर्डर है पूरा का पूरा, बीच में हल्का सा सीक्वन है बट मोस्टली जरी वर्क है, बहुत ऑथेंटिक है, मूव नहीं करेगा ये जरी वर्क यहाँ से जहाँ पे लगा है। दिस इज हाउ द बॉटम लुक्स लाइक, सिल्क में है ये लहंगा, ठीक है, रॉ सिल्क है और इस तरह का लगता है। ये आता है सेम ब्लाउज के साथ जिसको मैंने वी नेक, आजकल वी नेक के ब्लाउजेस, जैसे मैंने अभी ये कुर्ती पहनी है तो ये भी वी नेक है। और अगर एक टिप है, अगर आपकी नेक थोड़ी सी नेक मतलब आपकी बहुत पतली नहीं है मॉडल्स की तरह, तो पतली नहीं है या फिर आपकी नेक छोटी है, तो हमेशा वी नेक पहनिए, वो बिल्कुल हाई नेक पहनेंगे ना तो ये देखिए इट विल कट ऑफ योर हाफ ऑफ योर यू नो होल स्ट्रक्चर, वर एज वेरी वेन यू वेयर समथिंग लाइक दिस, आप बिल्कुल वी नेक पहनते हैं तो वो आपकी एक्सेंचुएट करता है नेक को, ठीक है। तो मैंने इसको वी नेक में बनाया है, ये बैक है ये फ्रंट है, मैंने यहाँ पे उनसे बॉर्डर लगवा लिया था, स्लीव्स ऐसे हैं इसके इस टाइप में, और सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, बहुत टाइट नहीं मैंने नीचे से रखवाया, इट गिव्स लाइक अ इट्स लाइक अ क्रॉप टॉप काइंड ऑफ अ थिंग। तो इस तरह का साइड में मैंने जिप लगाया, मैं जिप सब में लगाती हूँ यार, कन्वीनियंट होता है यहाँ, तो ये है इसका, ये है। और अब आते हैं इसके बोहेमियन और जो इसका बेस्ट पार्ट है, एंड दैट इज दिस ऑर्गेन्जा दुपट्टा। पहले तो मैं बॉर्डर दिखा देती हूँ क्योंकि ये दुपट्टा संभालना इतना ज़्यादा टास्क है ना। दिस इज द अगेन द सेम जरी वर्क गोइंग ऑन सारे बॉर्डर्स पे, और बीच में ऑर्गेन्जा का दुपट्टा है, और ये ऐसे लगता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है इसको संभालना बट वंस यू, ये इसको मैंने बहुत सारी और चीज़ों के साथ भी स्टाइल किया हुआ है इस दुपट्टे को, मुझे बहुत पसंद है ये दुपट्टा, ऑर्गेन्जा मेरा वैसे ही फेवरेट है। बहुत ही अनकन्वेंशनल इन्होंने दुपट्टा बनाया है और इतना बड़ा दुपट्टा है ना। चलिए पहले तो जल्दी से हम इसका ट्राई ऑन कर लेते हैं फिर। आपको ये अच्छा लगा होगा दोनों लहंगा सेट्स, और अगर आपको ये अच्छे लगे होंगे, ये वाला जो लहंगा सेट है ग्रीन वाला, इसका प्राइस भी मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूंगी अगर आपको देखना होगा, मगर सेलर आप जील क्लोथिंग ही लेना बिकॉज उनका बहुत अच्छे रिव्यूज हैं, तो आप वही सेलर चूज करना। और अब एक प्रो टिप है जो मैं आपको देना चाहती हूँ इस फेस्टिव सीजन के लिए, अगर आप अपने पुराने लहंगा सेट्स भी पहन रहे हैं या कुछ भी, आपको हमेशा एक चीज़ अपने पास जो हमेशा होनी चाहिए और वो है एक कैन कैन का स्कर्ट। ये किसी भी, ये नॉर्मल लहंगा है या फिर आपकी कोई स्कर्ट है या कुछ भी है, मैंने ये बनवाई है बट मेरे को बाद में पता चला कि ये अमेजोन पे मिलती भी हैं। ये देखिए ये आपको ना पूरा प्रिंसेस लुक देता है, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, और हमेशा बेज कलर या स्किन कलर में बनवाइए। तो ये आप अंदर से जब किसी भी लहंगे के अंदर से पहनते हैं या फिर किसी भी स्कर्ट के अंदर से नॉर्मली भी पहनते हैं, तो ये इसको बहुत अच्छा फ्लेयर दे देता है, और ओवरऑल जो लुक है आपके लहंगे की आपकी स्कर्ट की वो बहुत अच्छी आती है। तो ये आपको अमेजोन से मिल जाएगी, अगर मुझे लिंक मिलेगा तो मैं आपको डाल दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो अगर आपको ये लेना होगा तो आप ले सकते हैं वहाँ से। That's pretty much about this particular video. Mostly मैं इस particular month में आपको festive wear और hauls, online hauls और festive wear ही दिखाऊंगी, और let me know in the comment section down below कि आपको क्या देखना है next video में, कोई आपके preferences हैं और आपको ये जो चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ आपको कैसी लग रही हैं, and make sure that you subscribe and you can share the video in case if you like it. Thank you so much for staying with me until the end, and just know that I really, really appreciate you being here on our channel. I'll see you very soon in my next one. Until then, bye-bye.